सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? जितने भी मेरे 90 सब्सक्राइबर हैं, खैर पहले तो 50 सब्सक्राइबर थे, तो 50 पुराने सब्सक्राइबर और 40 नए सब्सक्राइबर, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कुछ लोगों के सवाल के बारे में, जैसे कि वो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब आप लोग फोन कैसे ऑर्डर करते हैं, और जैसे कि आप लोगों को मुझसे फोन ऑर्डर करवाना है तो आप कैसे कर सकते हैं। और कुछ भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई लिंक भेज दो, और कुछ भाई साहब बोलते हैं भाई ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये सब क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल है कि फोन मैं कहाँ से ऑर्डर करता हूँ। देखो, जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन ऐप है ना, तो वैसे सुपरसेल ऐप है, लेकिन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन सुपरसेल में आप लोग फोन या फिर लैपटॉप ऑर्डर कर सकते हो सेकेंड हैंड रिफर्बिश्ड। और ये कोई लिंक नहीं है, जैसे कोई भाई साहब बोल रहे थे भाई साहब मुझे लिंक दे दो, तो भाई साहब ये कोई लिंक नहीं है, ये सुपरसेल ऐप है। तो अब सवाल है कि इसे क्या हर कोई यूज कर सकता है? ना, नथिंग, बिल्कुल भी नहीं, इसे हर कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए आपको सुपरसेल कैशिफाई वालों से KYC कराना पड़ेगा, जिसका प्रोसेस 2-4 दिन का है, आप लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगता है, तो इसे कोई इजीली यूज नहीं कर सकता। मतलब ये बिजनेस टू बिजनेस के लिए बनाया गया है, मतलब कि आप लोग यहाँ से फोन परचेस करके, अगर आपके पास कोई मोबाइल का छोटे मोटा दुकान है तो आप लोग वहाँ पे थोड़ा महंगे दामों में बेच सकते हैं। तो अब सवाल है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड क्या होता है। देखो, सबसे पहले अगर आप लोग फोन यहाँ से परचेस करते हैं तो सबसे टॉप पर बैठा है सुपर, मतलब एकदम नया जैसा फोन सुपर, फिर उसके नीचे आओगे तो गुड, फिर उसके नीचे आओगे तो फेयर, मतलब ये तीनों ग्रेड के फोन एकदम फ्रेश रहते हैं, एक भी स्क्रेचेस नहीं रहते, वारंटी के साथ 6 महीने की। खैर, इस ग्रेड के फोन जल्दी कोई परचेस नहीं करता, क्योंकि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड में ही उन्हें अच्छे फोन मिल जाते हैं, वो भी कम दामों में। तो ए ग्रेड में आपको मिलता है एकदम फ्रेश फोन विदाउट एनी स्क्रेचेस के साथ, और अगर आप उसके और नीचे आएंगे तो बी प्लस है, बी है, बी माइनस है, तो इसमें आपको मिलेगा फोन में थोड़े बहुत स्क्रेचेस, डिस्प्ले में तो कोई डिफेक्ट नहीं रहेगा ना तो कुछ बैक पैनल में, लेकिन थोड़ा बहुत यूज रहेगा, स्क्रेच वगैरह रहेगा। तो अगर आप और उसके नीचे आते हैं, सी प्लस है, सी माइनस है, सी है, तो आप लोगों को इसमें कुछ एक फंक्शनल इशू मिल सकता है, जैसे कि बैक पैनल क्रैक हो सकता है, या फिर स्पीकर, या फिर कैमरा ब्लर हो सकता है, जो कि QC रिपोर्ट में मेंशन रहता है। तो आप लोग जब भी फोन बाय करें तो आप लोग QC रिपोर्ट जरूर पढ़ें। फिर उसके बाद आता है डी, डी प्लस है, डी माइनस है, डी है, तो इस ग्रेड में भी सेम वही प्रोसेस है। अगर आप लोग डी माइनस या डी प्लस या डी ग्रेड का फोन ऑर्डर करते हैं तो उसमें कोई दो फंक्शनल इशू रहेगा, वो भी कोई कंफर्म नहीं है कि वो रहेगा ही, मतलब कभी कभी कैशिफाई वाले क्या करते हैं कि वो लोग मेहरबान हो जाते हैं तो फोन अच्छा भेज देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखा होगा, 3200 रुपए में मैंने एक फोन ऑर्डर किया था, iPhone 7 256 GB, जो कि उसमें मेंशन था कि कैमरा ब्लर हो सकता है, डिस्प्ले फूट सकता है, डिस्प्ले लोकल हो सकता है, लेकिन जब फोन आया तो मुझे लगा कि यार मेरी किस्मत अच्छी है, या तो कैशिफाई वाले मुझ पे मेहरबान हो गए। तो मतलब कि एक हिसाब से समझ लो कि 50% चांस रहता है कि जो QC रिपोर्ट में है वही चीज आए। ए बी सी डी तीन ग्रेडों में 2 दिन की वारंटी रहती है 48 घंटे की, और ई में नहीं रहता। जैसे कि आप लोग फोन जब परचेस करते हैं तो फोन देखते हैं तो उसमें जो है साइड में लेबल लगा रहता है, तो अगर आप लोग उसको निकाल देते हैं तो वारंटी खत्म, मतलब 48 घंटे तक आप लोग फोन अच्छे से चेक कर लो, लेबल मत निकालो उसका। अगर QC रिपोर्ट में जो दिया है उसके अलावा कोई फंक्शनल इशू है तो फोन आपका वापस हो जाएगा, आपको दूसरा मिलेगा या तो रिफंड भी हो जाएगा। और अगर हम बात करें ग्रेड ई की, तो उसमें QC रिपोर्ट नहीं होता, तो पहले डी में भी QC रिपोर्ट शो होता था, लेकिन अब डी ग्रेड से भी ये लोग QC रिपोर्ट हटा रहे हैं। तो ई ग्रेड में कुछ भी हो सकता है, बैक पैनल फूटा हो या तो डिस्प्ले, मतलब 2-3 फंक्शनल इशूज में भी रहेंगे, और ये भी कोई कन्फर्म भी नहीं है कि वो रहेगा भी, अच्छा भी आ सकता है। और ई ग्रेड में ये भी नहीं कि फोन बंद आएगा, आप कोई भी फोन ऑर्डर करें, जैसे ई ग्रेड हो चाहे बी ग्रेड हो चाहे सी चाहे डी, कोई भी ग्रेड का फोन परचेस करेंगे तो फोन ऑन जरूर रहेगा, चाहे भले इसमें कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, पर फोन जरूर ऑन रहेगा, फोन ये लोग बंद नहीं दे सकते। तो अब सवाल है कि फोन आप लोग मुझसे कैसे ऑर्डर करवा सकते हैं। तो देखो, इसमें सीधा फंडा है कि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टेक्ट करें, आपको कौन सा फोन चाहिए, आप लोग वो फोन देखें और सेलेक्ट करें, QC रिपोर्ट है या तो कुछ है, आप लोग पढ़ के जो है आप कंफर्म कर लें आपको कौन सा फोन चाहिए, फिर मैं वो फोन को ऑर्डर करूंगा कैश ऑन डिलीवरी, आपका जहां एड्रेस है वहां पे फोन जाएगा, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी का चार्ज अलग से लगेगा। जैसे कि आप लोग 5000 के अंदर फोन को ऑर्डर करते हैं तो 200 रुपए आपका COD चार्ज लगेगा, और 10000 के अंदर अगर आप लोग फोन को परचेस करते हैं तो आपको 250 रुपए जो है COD चार्ज लगेगा, और अगर 20000 के अंदर आप लोग COD करवाना चाहते हैं तो उसका 300 रुपए चार्ज लगेगा, और वो फोन आपके घर तक जाएगा कैश ऑन डिलीवरी। और ये फोन ऑर्डर करते वक्त मैं आपको अपनी तरफ से कुछ कूपन कोड भी अलाउ करवा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को 200-400 रुपए माइनस हो जाएंगे। और फोन की वारंटी की टेंशन तो आप लोग बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि अगर QC रिपोर्ट के अलावा आपके फोन में और कुछ फंक्शनल इशू आता है तो फोन आपका 48 घंटे के अंदर
वापिस हो जाएगा, बस शर्त यह है कि आप लोग उसका लेबल नहीं निकालना। तो अगर आप लोग अपने फोन का रिव्यू भी देखना चाहते हैं तो मैं आपके फोन का अनबॉक्सिंग वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसके साथ आप लोगों का एक ये भी फायदा रहेगा कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है या तो इंस्टाग्राम आईडी है या फेसबुक आईडी है तो उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जिससे आपका फ्री में प्रमोशन भी हो जाएगा। ये वीडियो यहीं तक, जल्दी जाइए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यार देखो मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ आप लोगों को गिव अवे करने के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या तो व्हाट्सएप पे। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय।